Good evening, everyone. Before we begin our plays, I, on behalf of Rangmanch and you, wish to share with you that we dedicate these plays to the loving memory of Professor Sudhir Kekar and Professor Naveen Kapoor. Both the professors were keenly interested in our productions and were a constant source of encouragement. The vacuum their demise has created fills many more areas than just academics. Today we will be presenting four short stories which we have adapted into plays by notable authors from India, and one of them went to Pakistan later on, Sadat Hasan Manto. So we'll be showcasing four short stories. And before leaving the stage for all of you, I mean for my team, I'm sorry, I just wish to say two more lines. Pal bhar ka natak, jeevan bhar ki seekh, zindagi ye rangmanch, yahi hai teri reet. These lines are penned down by our very own Sourish. Thank you. The first story that we will be presenting is Chief Ki Dawat by Shri Bhishma Sahni. Parents, our first gurus and our first love. Remember your early days when you were shown off by them with great pride to the whole world? But in reality, does the reverse happen? Will Shyamnath take pride in introducing his old mother to his chief and his wife when they both visit Shyamnath for a Dawat? जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ कर दिखाना हो, तो आपके मेहनत में सबसे ज्यादा साथ देते हैं आपके मां-बाप। हमारे मां-बाप हमारे वो दोस्त होते हैं जो बिना थैंक यू की उम्मीद रखे न जाने कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में उनके बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो अब बूढ़े हो चले हैं। उन्हें समझने की, उन्हें सहारा देने की जिम्मेदारी हमारी है। आज मिस्टर श्यामनाथ के यहाँ चीफ की दावत थी। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना मिली। दोनों पति पत्नी सुबह से घर की सज्जा ठीक करने में लगे हुए थे ताकि चीफ आए तो सब ठीक दिखे, घर साफ सुथरा और व्यवस्थित लगे। पांच बजते बजते तैयारी मुकम्मल हुई, ड्रिंक्स का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। घर का फालतू सामान पलंग के नीचे अलमारी के पीछे छुपाया जाने लगे। तब श्यामनाथ के आगे अचानक एक अड़चन खड़ी होगी। मां का क्या होगा? मधु किधर हो? क्या हुआ? एक बार फिर से देख लो, सारी तैयारियां बराबर तो है ना? ठीक ही है। ये स्टूल यहाँ पे क्या कर रहा है? तुमसे तो कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने खाना बाहर से मंगवा दिया है, तो तुम उसे डाइनिंग टेबल पे लगवा देना। ठीक है। तुमसे तो खाना अच्छा बनाया जाता नहीं। क्या बोले? अरे वो कुछ नहीं, तुम सुबह से इतना काम कर रही हो ना, सोचा तुम्हारे कोमल से हाथों को थोड़ा सा आराम दे।
बैठक में चली जाना, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, समझ गई मैं। और एक और बात, आज तुम जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर दूर तक जाती है। अब बेटा ये तो मेरे बस में ही नहीं है ना, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस भी नहीं ले पा रही। अच्छा माँ इस पर आकर बैठो। चलो ठीक है, कोई चूड़ी वगैरह हो तो वो भी पहन लो, मना नहीं कर रहा हूँ। चूड़िया चूड़िया कहाँ से पहनूंगी बेटा, तू तो जानता ही है सारे जेवर मेरे तेरी पढ़ाई में बिक गए थे। क्या कहा? अब ये क्या नाक छेड़ दिया माँ, सीधे से कहो ना जेवर नहीं है, इसने पढ़ाई को क्यों बीच में ला रही हो? तो जेवर बिका है तो कुछ बनकर आया हूँ, लेना लंडूरा नहीं लौटा हूँ, जितना दिया था उसका दो गुना दे दूंगा। मेरी जीप चल जाए बेटा, तुझसे जेवर लूंगी, मेरे तो मुंह से यूं ही निकल गया था, जो होते तो लाख बार पहन लेती। अच्छा तुम आज रोज की तरह गुमसुम नहीं बैठना, साहब इधर आ निकले और तुमसे कुछ पूछा तो अच्छी तरीके से जवाब देना। बेटा मैं ना पढ़ी ना लिखी हूँ बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तू बोल देना अपने साहब से कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वो नहीं पूछेंगे बेटा। जाने अनजाने में अपने माता पिताजी पे आवाज ऊंचा कर देते और पता नहीं क्यों वो भी चुपचाप सुन लेते हैं। आखिर दुधारू गाय की तो लाते भी तो खानी पड़ती है। अपनी जमा पूंजी से हमें अपने पैरों पे खड़ा करते करते उनके पैर कब लड़खड़ा गए ये बात पता ही नहीं चली। खैर 8 बजे के आसपास चीफ और उनकी पत्नी घर में दाखिल हुई, फिर शुरू हुआ ड्रिंक्स का सिलसिला। भाइयों आखिर एक कामयाब पार्टी भी वही होती है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चले। पांच बज गए हैं, बहुत आते होंगे। तो ठीक ही है ना? सबको ठीक लग रहा है? एक्सक्यूज मी, नॉक नॉक, आ गए। Let's use.
बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ दंग रह गया था। उसकी माँ नींद में कुर्सी पर पाँव रख के कर्राटे ले रही थी। श्यामनाथ का सारा नशा उतर गया था। अपने चीफ को खुश रखने के लिए वो जितनी मेहनत की थी सारी बेकार होने वाली थी। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि माँ को धक्के देकर कोठरी में भेज दे, लेकिन चीफ के सामने ये मुमकिन नहीं था। शायद उस दिन चीफ के किस्मत में श्यामनाथ की माँ से मुलाकात लिखी थी। आइए सर, आइए सर, आइए सर। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था ना माँ। हेलो, आप मिलाओ माँ, आप मिलाओ। How do you do? माँ कहो, ठीक से हूँ, खैरियत से हूँ। ठीक ठीक। She says she's fine. माँ कहो, how do you do? How do do? I'm fine too. Actually, my mother is from rural area. She feels little shy in meeting new people. But sir, you are a great man. She will definitely enjoy your company, sir. तब तो तुम्हारी माँ गांव के बहुत सारे गाने भी जानती होगी। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, तुम्हें तो बहुत ही आते होंगे। बेटा, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है बेटा। वाह माँ, मेहमान का भी कहा कोई टालता है क्या? साहब ने दिलीप से कहा है। बेटा, मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई गाना नहीं आता। कोई भी टप्पे सुना दो माँ, वो दो पत्थर अनारा दे वाले। माँ जी, सुना दीजिए ना, इतने तो सुना दी थी मुझे, सुनाइए। गाना वाना मत गवाओ बेटा। माँ, आधी रात हो चली थी और पार्टी खत्म हो चुकी थी। चीफ फुलकारी मिलने की आशा में खुश होकर गया था और चीफ को खुश देखकर श्यामनाथ भी खुश हो गया। चीफ को ऐसे ही खुश रखूंगा तो तरक्की मिल जाएगी, यही ख्याल श्यामनाथ के मन में चल रहा था। सोफे पर बैठा श्यामनाथ जब अपने तरक्की के सपने बुन रहा था, तभी उसके जहन में एक ख्याल आया।
जानबूझकर, चाहे खुशी हो या दुख, जुबान पर हमेशा माँ का नाम ही आता है। लेकिन माँ तो अपने कमरे में थी और आज जो हुआ उसकी वजह से उनके आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। माँ, माँ, आज तो तुमने पार्टी में रंग ही ला दिया। क्या गाई तुम माँ? मुझसे फिर कोई भूल हो गई क्या? नहीं तो किसने कहा? साहब तुमसे बहुत खुश हुआ। बेटा, अब मैं तुझे कितने सालों से बोल रही हूँ, तू मुझे हरिद्वार भेज दे बस। क्या कहा? अब ये क्या राज छेड़ दिया माँ? अच्छा, तो तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि ये दुनिया कहे ये बेटा अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता, है ना? नहीं बेटा, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब तुम यहाँ अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? तुम मुझे हरिद्वार भेज दे बेटा। लेकिन माँ, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन मनाएगा? तुम्हारे सामने ही साहब से फुलकारी देने का इकरार किया था, उसका क्या होगा? तू बेटा किसी और से बनवा ले, बड़ी बनाए दे दे बेटा। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी अब आंखें नहीं रही है जो मैं फुलकारी बना सकूं। माँ, माँ, तुम मुझे ये छोड़कर चली जाओगी, मेरा बत्ता काम बिगाड़ोगी। जानती हो, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। साहब तेरी तरक्की कर देगा? साहब ने बोला है ऐसा कुछ? कहा नहीं माँ, लेकिन देखती नहीं, बहुत खुश गया था। कहता था जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा फुलकारी कैसे बनती है। जो साहब खुश होगा तुम्हें और भी बड़ी नौकरी मिल सकती है मुझे। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन जाएगा माँ। सच्ची तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी क्या माँ? साहब के लिए कुछ करूंगा तो कुछ करेगा ना वो मेरे लिए, वरना उसके आगे पीछे करने वाले